आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ओपन इलेक्टिव कोर्स का आपका जो अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी का जो पेपर है समाजशास्त्र का जो आपको यानी कि MBA के अंदर आप कोई भी आपका कोर्स तो और होता है लेकिन आपको ओपन इलेक्टिव और फाउंडेशन कोर्स लेना होता है तो ये ओपन इलेक्टिव कोर्स के अंदर आता है आपका अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी। तो 2018 का पेपर है क्योंकि 2018 के बाद 2019-20 में लॉकडाउन लग गया था जिसके कारण पेपर नहीं हो पाए थे तो 2018 में ही हुआ था, उसके बाद अब 2022 के अंदर ही होंगे। तो देखिएगा ये आपका पहला पेपर पहला क्वेश्चंस है, व्हाट इज सोशियोलॉजी समाजशास्त्र क्या है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, इसके साथ क्या रिलेशन है। सेकंड क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है 16 नंबर का ये, डिफाइन सोशियोलॉजी डिस्कस द ऑर्गेन एंड ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए, समाजशास्त्र की उत्पत्ति तथा वृद्धि का वर्णन कीजिए। सेकंड यूनिट है आपकी डिफाइन कम्युनिटी डिस्कस द करैक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी, समुदाय की परिभाषा दीजिए, समुदाय की विशेषताओं का उल्लेख करें। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सोशल कंट्रोल डिस्कस द फॉर्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण क्या है, सामाजिक नियंत्रण के प्रारूप का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका यूनिट नंबर 3 का व्हाट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन डिस्कस द करैक्टरिस्टिक ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका व्हाट इज सोशल चेंज डिस्कस वेरियस फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारकों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर जो यूनिट नंबर आपका 4th का 7वां क्वेश्चन डिफाइन फैमिली डिस्कस द चेंजिंग पैटर्न ऑफ फैमिलीज, परिवार की परिभाषा दीजिए और परिवार के बदलते हुए स्वरूप का वर्णन करें कीजिए। विवाह डिफाइन मैरिज डिस्कस द फॉर्म्स ऑफ मैरिज, विवाह की परिभाषा दीजिए और विवाह के प्रारूप का वर्णन करें। अनिवार्य जो दो दो नंबर के 8 क्वेश्चन आते हैं वो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इतिहास की परिभाषा दीजिए, मानव शास्त्र की परिभाषा दीजिए, डिफाइन सोसाइटी, समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए, व्हाट इज सोशल ग्रुप क्या होता है, सामाजिक समूह क्या है, सामाजिक गतिशीलता क्या है, और अगला क्वेश्चन आया समाजीकरण क्या है, सोशलाइजेशन क्या है, और उसके बाद में नातेदारी की परिभाषा दीजिए और व्हाट इज़ अर्बनाइजेशन शहरीकरण क्या है। तो ये आपके पेपर क्वेश्चन पेपर था जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशियोलॉजी का पेपर 2018 का था। इस प्रकार चैनल के साथ बने रहिएगा, आपके आने वाले वीडियो टाइम टाइम मिलते रहे। धन्यवाद।